ले जा रे, बस यही कहीं रह जा, तू मेरी दीवानी रे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मेरा बाइक, सो चलिए आज का वीडियो। सो दिस इज एक्सट्रीम स्पोर्ट राइट नाउ। और आज हम बात करने वाले हैं जो टीनएजर्स होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा रेस चलाते हैं और अपना दिमाग की हालत खो देते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। सिर्फ 70 स्पीड के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न कुछ नहीं है, बस आपका छोटा दिमाग है। जैसे कि हम लोग जैसे बढ़ते हैं, हमारा दिमाग भी ग्रोथ होता जाता है। आप लोग टीन एज यानी 80 या 90, 20 एज के अंदर हो गए, तो आप लोग से रेस चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आज मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग इन एक्सीडेंटों को अवॉइड कर सकते हैं। ट्रिक नहीं, एक तरीका बताता हूँ, चलाने का तरीका, जिसे कहते हैं राइडिंग ट्रेनिंग। तो उसका तरीका ये है, तो आप लोग तो भाई गाड़ी पकड़े और तेज़ चलाए, ठीक ठाक है उतना जानते हैं, लेकिन उससे आगे आपका दिमाग काम नहीं करता है। गाड़ी मतलब सेफ्टी फिक्वेशन के लिए आपके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इन सेफ्टी फिक्वेशन के आइडिया। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जब गाड़ी पे बैठते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे गाड़ी चलने के लिए इंजन ज़रूरत है, लेकिन ब्रेक लगाने के लिए हमारे दिमाग की ज़रूरत है। तो मानो आप लोग गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करके आप लोग निकल गए। सो इंडिकेटर ऑन। कट कर दूंगा। स्टार्ट करके गाड़ी आप लोग आगे निकल गए 70 स्पीड तक। 70 स्पीड के सामने अगर एक ट्रक आ गया या फिर कुछ आ गया, मेन बात आप लोगों को ब्रेकिंग नहीं मालूम, किस इलाके में कैसा ब्रेक पकड़ता है। ब्रेकिंग मालूम है लेकिन किस इलाके में कैसा ब्रेक पकड़ता है वो मालूम नहीं है। तो इसके लिए तो मेरे पास एक स्पेशल तरीका है। आप लोग स्टंट सीखिए, जैसे कि आप लोग मानो ये खेती बाड़ी का इलाका हो गया, यहाँ पे आप लोग ब्रेक मारना सीखिए, और फिर रोड हो गया तो वहाँ पे भी आप लोग ब्रेक मारना सीखिए, और फिर आप लोग वहाँ पे ब्रेक मारने के बाद आगे बढ़िए। और जैसे बालू हो गया, रेत हो गया, उसमें भी आप लोग ट्राई कीजिए चलाने को। बस वो जैसे नेचर होता है, नेचर में आप लोग ऐसा लगे कि गाड़ी आपका खिलौना है, ऐसा जब लगेगा फिर आप लोग गाड़ी को आराम से रोक सकते हैं। और हाँ, रोक तो सकते हैं, लेकिन चलाने का तरीका, हम लोग जब टीन एजर्स होते हैं तो गाड़ी मानो हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं या फिर सामने से जा रहे हैं, हम लोग उससे पूरा ऐसे सामने से निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं रिस्की इज़ द डेंजर पॉइंट। तो हम लोग रिस्की नहीं लेंगे, तो रिस्की लेने के लिए हमारे पास जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, टीनेज के लड़के या बच्चे जो भी है काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोग को चलाने का काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय मिलता है, काफ़ी ज़्यादा चलाने का मन करता है, जैसे कि मैं भी उस टाइम पे गुजरा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मोड़ने का मन करता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाने का मन करता है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करना नामुमकिन है। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा, जितना हो सके उतना मतलब अपने आप में मतलब कंफर्टेबल रहे, इतना ज़्यादा रिस्की ना ले कि आपके जान पर हमला हो सकता है। तो आप लोग समझिए, कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत ब्रेक लगाने, इसलिए मैं बोल रहा था ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो आप लोग तुरंत ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लीजिए। और मेरे पास एक तरीका है, आप लोग गाड़ी को या तो 20 के स्पीड से नीचे चलाइए, और जब रेसिंग हो तो 70 के ऊपर चलाइए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ चलाइए। सबसे पहले धीरे चलाना सीखिए, जितना हो सके उतना स्लो स्लो चलाना सीखिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कैसे स्लो चला रहा हूँ। नहीं यार, क्या स्लो दिखाना। तो यार टीनेजर्स, एक बात बोलना चाहूँगा स्पेशल, वो ये है कि आप लोग अपने आप में अपने आप को प्यार कीजिए। और सामने मानो आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो सामने ट्रक वगैरह है, और आप लोग ऐसे गैप मारना चाहते हो, तो
रिस्क लीजिए, लेकिन जब ज़िंदगी हो रिस्क लीजिए। मानो एक बाइक है और यहाँ पर एक बाइक है, आप ले जाएंगे तो चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पे एक ट्रक है, यहाँ पे एक ट्रक है, यहाँ पे भी ऐसी गलती बिल्कुल भी माफ ना करो। यही होता है एक फ़र्क टीनेजर्स और हमारे बीच। हम लोग सिचुएशन देख के हैंडल करते हैं, लेकिन टीनेजर्स वो लोग सिर्फ रेसिंग के बारे में सोचते हैं, सिचुएशन बिल्कुल नहीं सोचते हैं। वो बस मोड़ना सीखते हैं लेकिन ब्रेक बिल्कुल नहीं सीखते हैं। तो बस ऐसे ही मेरा एक दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, जो कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ, पल्सर 220 जैसे कि काफ़ी ज़्यादा छोटा बाइक है। तेज़ चलाने में पता नहीं चलता कब स्पीड लग जाता है, और उस बाइक में काफ़ी ज़्यादा तेल तेज़ चला सकते हैं। तो आप धीरे चलाइए और काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ चलाइए, रेसिंग कीजिए, लेकिन अपने हिसाब के अंदर। मानो आप लोग 80 स्पीड तक कंट्रोल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना भगाए, भगाए खाली रोड में भगाए, लेकिन इन रोड में बिल्कुल भी ना भगाए। तो इसको मैं क्यों हिला रहा हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस ऐसा ही छोटा सा वीडियो था, तो वही छोटा सा बात, सब्सक्राइब मार दो, ठीक है, लाइक ठोको, सब्सक्राइब मारो, एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। बाय।